जी दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ जी मुल्तान से आगे एक जगह है जी अड्डा लाड़। यहाँ पर ना किन्नू फ्रूटर बड़ी ऐसी चीजें लगी होती है। अब हम बैठने लगे हैं बाइक के ऊपर और करेंगे ट्रेवल और ढूंढेंगे किन्नुओं का बाग। खूबसूरत मौसम है जी और अभी हम जाएंगे किन्नुओं के बाग में और ढूंढेंगे किन्नू। भाई मेरे यहाँ पे कोई बताओगे यार कोई किन्नुओं के बाग किस जगह पे है? यहाँ पे किन्नुओं के बाग बड़े भाईजान आगे हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम फयाज है। आप भी किन्नू शिन्नू खाने आए यहाँ पे? किन्नू शिन्नू तो अभी पक रहे हैं जी, खाएंगे हम तो। हमने किन्नू खाने तो कहाँ जाना पड़ेगा? आपको आगे जाना पड़ेगा बिल्ली वाले। देखिए हम ढूंढ रहे हैं किन्नुओं के बाग, अगर मिल रहे हैं ताकि आपको दिखा सके कि किन्नू कैसे लगे होते हैं और किन्नू को दरख्तों से छोड़ कर खाने का जो मजा है उसकी तो क्या ही बात है। अगर वो आज मैं सोच रहा हूँ कि मैं भी ये मजा लूँगा, मैं भी किन्नू को किन्नू के पौधे से तोड़ कर खाऊँ। जी दोस्तों, पहुंच चुके हैं किन्नुओं के बाग के अंदर और यहाँ पर बड़ा खूबसूरत माहौल है, ग्रीनरी है, खूबसूरत नज़ारे हैं, बड़ा एंजॉय कर रहा हूँ मैं तो। ये देखें, वाह क्या बात, ये देखें आगे बिल्कुल किन्नू ही किन्नू है हर जगह पे, मतलब मुझे तो बड़ा मजा आ रहा है। ये देखिए ये लगे हुए किन्नू, अभी हम खाएंगे भी। मैं जी एक पौधे के पास पहुंच गया हूँ, किन्नू का पौधा है। ये देखें यहाँ पे कितने किन्नू लगे हुए हैं, मुझे तो बड़ा मज़ा आ रहा है यहाँ पर आकर। अभी वैसे अगर हम एक किन्नू को तोड़ लें यहाँ से, वाओ भाई ने दिसके के लेने पे हो। मैं वीडियो बना रहा हूँ बनानी है। मैं इसलिए किन्नुओं के बाग में आया था, ठीक है? तो मैं इसलिए तोड़ के देख रहा था किन्नू कैसे कैसे यहाँ पे लगे होते हैं। तो आपने तो बदतमीजी करनी शुरू कर दी। तुसा पूछना है ना, तुसा इमे क्यों अंदर भाईजान आप थे नहीं मैं जब आया। तुसा शूट करो, तुसा शूट करो, तुसा खाने क्यों पे हो? चार किन्नू तोड़े और आपने इतनी बदतमीजी कर दी। चार नहीं ना, आप तो काफी खा रहे हो किन्नू। भाईजान मुझे पता है तोड़ के खा रहे हो। भाईजान मेरी बात तो सुन ले, आप मेरी बात तो सुन ले। मैं आपसे सॉरी कर रहा हूँ, मुझे मेरी गलती है कि मैंने आपसे परमिशन नहीं ली। यकीनन मतलब जिसको भी आना चाहिए उसको सबसे पहले आपसे परमिशन लेके बात करने आगे किन्नू तोड़ना चाहिए। तो हम शूट कर लें, बड़ी मेहरबानी। ये देखिए जी, मैंने तो किन्नू तोड़ लिया है और ये मैं देखिए किन्नू को छीलने लगा हूँ। किन्नू के पौधे से तोड़ कर किन्नू खाने का तो अपना ही मजा है, बहुत मीठा। वो देखिए वो बहुत बड़े किन्नू लगे हुए हैं वहाँ पे। चले ये वहाँ चलते हैं, मतलब ये जो मैंने किन्नू लिया था इसका साइज बहुत छोटा था। ये देखिए ये किन्नू जो है ना, बहुत बड़े बड़े किन्नू लगे हुए हैं यहाँ पर। इतना बड़ा किन्नू है और जो बड़े आसानी से टूट गया। ये देखिए और ये देखिए इस किन्नू में और इस किन्नू में कितना फ़र्क है। ये छोटा सा है और ये देखें बाकायदा पला हुआ किन्नू है। ये देखें, ये भी अभी लगता है कि इनिशियल स्टेज के ऊपर है। अब ये देखिए ये फ़र्क है दोनों के अंदर, ये कितना छोटा है, ये कितना बड़ा है। एनीवेज हम इनको उठा लेते हैं, कैरी करते हैं, खाएंगे रास्ते में। जी दोस्तों, किन्नू ही किन्नू, वाओ किन्नू ही किन्नू। और मैं हूँ किन्नुओं के अंदर छुपा हुआ और किन्नुओं के अंदर मैं घिरा हूँ, तो मैं किन्नू ना खाऊं तो फिर मज़ा नहीं आता ना। तो मैं लगाऊं खाना ही किन्नू। ये देखिए फ्रेश फ्रेश, ताज़ा ताज़ा, डिलीशियस, बहुत मज़ेदार। फ्रूट मार्केट से भी हम किन्नू लेते हैं, तो वहाँ भी मज़ा आता है। लेकिन जो ये वाला किन्नू खाने का मज़ा आ रहा है ना, वो वहाँ नहीं आता। क्या बात है, अल्लाह की नेमतों की क्या बात है, बहुत मज़ेदार। जी दोस्तों, मैं देखें एक और पौधे के पास पहुंच गया हूँ किन्नुओं के। यहाँ तो बहुत से लगे हुए हैं किन्नू, क्योंकि यहाँ से भी लगता है इन्होंने इतने उतारे नहीं हैं। और मैं साथ साथ किन्नू खा भी रहा हूँ, बड़ा मज़ा आ रहा है किन्नू खाने का। और स्पेशली जो एटमोसफेयर है यहाँ का उसका बहुत मज़ा आ रहा है। अगर आप भी किन्नू खाना चाहते हैं
تو آپ کو بھی آنا پڑے گا کنو والے باغ کے اندر، اور یقیناً یہ والے جو باغات ہیں یہ آپ کو شہروں سے ذرا باہر ہی ملیں گے، تو اس کے لیے آپ کو تھوڑا سا شہر سے باہر نکلنا پڑے گا، تھوڑی سی ایفرٹ کرنی پڑے گی ایسے کنو کھانے کے لیے۔ اور اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو کائنڈلی سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، مانیا۔